हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये लेक्चर 2 है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है, जिसमें थोड़ा सा वेक्टर्स को और डेल ऑपरेटर को मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। बट डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेक्टर्स का लिंक है, वहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक डेल ऑपरेटर होता है, ठीक है, डेरिवेटिव जिसे हम बोलते हैं, डेरिवेटिव जो आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सेम वैसे ही ऑपरेटर उसको डेल से डिनोट करते हैं, उल्टा ट्रायंगल बना के ऊपर वेक्टर बनाते हैं। और कैसे लिखते हैं, डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के। अब ये ऑपरेटर है, इसको हम स्केलर पे भी ऑपरेट कर सकते हैं और वेक्टर पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्केलर पे ऑपरेट करना देखते हैं। तो जब हम इस वेक्टर डेल ऑपरेटर को स्केलर पे ऑपरेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड पता ही है आपको, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो अगर हम उस पे ये ऑपरेटर ऑपरेट कराते हैं तो हम उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, वेरिएशन इन एनी स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, ग्रेडियंट। स्पेस कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इज नोन एज ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट क्या हो गया, डेल ओवर डेल आर कह लीजिए, यहाँ पे एक्स वाई आई जे के डायरेक्शंस हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ग्रेड पूरा ग्रेडियंट लिख के ग्रेड वी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या करेंगे, डेल ऑपरेटर बनाएंगे और वी लिख देंगे, यानी कि डेल ओवर डेल एक्स पी आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे पी प्लस डेल वी ओवर डेल जेड के। ठीक है, हम जानते हैं जो ई है माइनस डेल वी ओवर डेल आर होता है। तो मतलब जो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन इलेक्ट्रो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो मतलब किसी स्केलर का जब हम ग्रेडियंट लेते हैं तो जो रिजल्टेंट है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी आता है, जो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है। अब सेम ये डेल ऑपरेटर है, इस डेल ऑपरेटर को हम वेक्टर पे ऑपरेट कराना चाह रहे हैं। मतलब डेल तो वेक्टर है ही, आई जे के तीनों डायरेक्शन है इसमें। अब हम इस पे जिसको ऑपरेट जिस पे हम ये फंक्शन ऑपरेट कराना चाह रहे हैं वो भी वेक्टर है, जिसमें भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। तो जब हमें पता है दो वेक्टर्स को हम एक दूसरे के साथ ऑपरेट कराते हैं तो दो फंक्शंस बनते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब हम डेल को वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो लिखते कैसे हैं, डाइवर्जेंस एफ। डाइवर्जेंस का मतलब हो गया डेल ऑपरेटर को डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर एफ के साथ। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे कैसे, डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के। और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं, एफ के साथ। तो एफ भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या करते हैं, आई डॉट आई वन आई डॉट जे जीरो आई डॉट के जीरो, जे डॉट आई जीरो जे डॉट जे वन जे डॉट के जीरो। तो उस तरीके से जैसे आप सिंपल वेक्टर्स ओपन करते हैं सेम वैसे ही है ना। तो डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू, जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स एफ एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई एफ वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड एफ जेड। ठीक है, तो मतलब जब हम किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो आपको पता भी है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर फंक्शन होता है। अभी हमें बताता क्या है, अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैं ये साइड में कर देती हूँ, इफ डाइवर्जेंस एफ
पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब डाइवर्ज हो रहा है, तो फील्ड कुछ इस तरीके की होगी, फैल रही होगी। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही होती तो यहाँ कर देते हैं डाइवर्जेंस, अगर नेगेटिव आ रहा है ठीक है तो मतलब कन्वर्ज हो रहा है, एक जगह फील्ड इकट्ठी हो रही है। और डाइवर्जेंस अगर जीरो है, डाइवर्जेंस एफ जीरो है तो मतलब ये पैरेलल फील्ड है, यानी कि सोलेनोइडल फील्ड है। डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू जीरो, दैट इज फील्ड इज सोलेनोइडल, और वेक्टर फील्ड इज सोलेनोइडल। नेक्स्ट क्या है, कर्ल है ठीक है, तो मतलब अगर हम डेल ऑपरेटर को फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसको कर्ल बोलते हैं। तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ठीक है, तो मतलब कैसे लिखते हैं, कर्ल एफ, और कैसे लिखेंगे, डेल क्रॉस एफ ठीक है, डेल का क्रॉस प्रोडक्ट एफ फील्ड के साथ जो भी आपका वेक्टर है। और ओपन करने का तरीका, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं आई जे के, फिर डेल की वैल्यू क्या होती है, आई के साथ डेल ओवर डेल एक्स, जे के साथ डेल ओवर डेल वाई, के साथ डेल ओवर डेल जेड, एफ का ऐसे ही सेम, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, आई जे के कंपोनेंट डिटर्मिनेंट, इसको मैट्रिक्स को ओपन करना आता ही है ठीक है। तो आप उसको ओपन कर लेंगे, तो अगर कर्ल एफ नॉट इक्वल टू जीरो है तो इस तरीके की फील्ड होती है। कर्ल एफ जीरो है तो मतलब ऐसी फील्ड है, स्टेट फील्ड है। और हम वेक्टर फील्ड को, वेक्टर फील्ड इज सेड टू बी इरोटेशनल, फिर रोटेशनल फील्ड नहीं रहेगी है ना, क्या हो जाएगी, स्टेट फील्ड हो गई। और दिस फील्ड इज ऑल्सो कंजर्वेटिव, दिस फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फील्ड। इसके अलावा ये तो हमारा, हमने क्या किया, डेल ऑपरेटर को एक बार ऑपरेट करा रहे हैं फील्ड पे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। अगर यही ऑपरेटर दोबारा ऑपरेट कराएं, मतलब डेल को दोबारा, एक बार हम कर्ल ले चुके दोबारा कर्ल लें, एक बार डाइवर्जेंस ले चुके दोबारा डाइवर्जेंस लें, एक बार हम ग्रेडियंट ले चुके फिर दोबारा कर लें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव बोलेंगे है ना। दोबारा दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव में बहुत सारे रूल्स हैं, हम सिर्फ तीन ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में यूज कर लेते हैं। तो जैसे अगर डेल डॉट डेल क्रॉस ए का ले, मतलब कर्ल ऑफ ए का डाइवर्जेंस लें तो वो जीरो आएगा। मैंने क्या किया, डाइवर्जेंस किसका लिया, जिसका हम ऑलरेडी कर्ल ले चुके, तो वैल्यू जीरो आएगी। दूसरा है डेल क्रॉस डेल एफ इक्वल टू जीरो, मतलब अगर कर्ल ले किसका, ग्रेड एफ का, तो वो जीरो आएगा। सो एफ, सॉरी एफ फील्ड नहीं है, एफ तो स्केलर है तभी ग्रेड ले रहे हैं हम उसका। और थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि ये हम जब वेव इक्वेशन निकालते हैं वहां पे जरूरत पड़ती है। डेल क्रॉस ए मतलब कर्ल, ये क्या लिखा है मैंने, कर्ल ऑफ कर्ल ए, एक बार ए का कर लिया फिर दोबारा उसका कर लिया, तो ये होता है डेल डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वेयर ए, है ना। डेल स्क्वेयर ए का मतलब डेल डॉट डेल है ना, और यहाँ पे डेल डॉट ए है यानी डाइवर्जेंस ऑफ ए, और डाइवर्जेंस ऑफ ए स्केलर होगा तो उसका फिर हमने डेल ले रखा है, मतलब ग्रेडियंट है ये ठीक है। ग्रेड ऑफ किसका, डाइवर्जेंस ए माइनस डेल डॉट डेल ए, ये इसका मतलब ये हुआ। ये दो थ्योरम और हैं, इनको और डिस्कस कर लेते हैं तो फिर हमारा वेक्टर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा एमएफटी में, फिर हम थोड़ा सा बेसिक लॉ और डिस्कस। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टोक्स थ्योरम करते हैं, इसकी भी जरूरत हमें पड़ती है, स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम क्या होती है कि अगर लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ए एनी क्लोज्ड
सरफेस, एस बाउंडेड बाय सम कर्व इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन ए ओवर द सरफेस एस। तो क्या मतलब है कि अगर हमारे पास किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल है क्लोज सरफेस में, तो इसको हम सरफेस इंटीग्रल में लिख सकते हैं, या इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। तो अगर हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है वो लाइन इंटीग्रल में चेंज हो सकता है, अगर लाइन इंटीग्रल है तो वो सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो सकता है। तो जो लाइन इंटीग्रल है ना, वो क्या चेंज हो रहा है जब सरफेस में जा रहा है, तो कर्ल ए लिख सकते हैं, कर्ल ए डीएस। और अगर कर्ल ए डी एस लिखा हुआ है तो हम उसको ए डी एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी हो गई स्टोक थ्योरम। दूसरी है हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, इसका भी हम यूज करते हैं एमएफटी में। तो क्या है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ए, कोई वेक्टर फंक्शन है उसका सरफेस इंटीग्रल है, ओवर द बाउंड्री बाउंड्री ऑफ अ क्लोज रीजन of a closed region is equal to the volume integral of divergence of vector function A throughout throughout the enclosed throughout the enclosed volume। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास किसी का सरफेस इंटीग्रल है वेक्टर का ए डॉट डी एस है, तो हम उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं अगर हम उसका डाइवर्जेंस ले लें वॉल्यूम के अंदर उस फील्ड का, है ना। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल दो बार इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस इक्वल टू थ्री टाइम इंटीग्रेशन किसका, डाइवर्जेंस ए डीवी, डीवी मतलब डीएक्स डीवाई डीजेड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डीएस का मतलब डीएक्स डीवाई, डीवी का मतलब डीएक्स डीवाई डीजेड। तो डीवी लिख लीजिए चाहे तीन बार इंटीग्रेशन लगा के ही कर लीजिए। तो ये थ्योरम भी हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में, अगर वॉल्यूम को सरफेस में चेंज करना है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम यूज करेंगे। तो हम वेक्टर का बेसिक कर लिया है ईएमएफटी के लिए। नेक्स्ट में थोड़े से बेसिक्स लॉस पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स के, उसके बाद हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो हैव अ नाइस डे।